بسم الله. ग्रुप मेंबर्स का नाम सरफराज अहमद, मोहम्मद उमर, और हमारी प्रेजेंटेशन का टॉपिक और दो इंस्टीट्यूट हमारी प्रेजेंटेशन में शामिल है। नंबर वन NIBG, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, और नंबर टू CEMB निशान बीजी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जिक्र करेंगे। इसको हमने 6 यूनिट्स में तकसीम किया। नंबर वन इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री, नंबर टू रिसर्च डिवीजन, नंबर थ्री नेशनल लाइब्रेरी फॉर बायोलॉजिकल साइंस, नंबर फोर एकेडमिक प्रोग्राम, नंबर फाइव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, नंबर इंट्रोडक्शन। NIBG की चार इंस्टीट्यूट में से एक बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, जिसका आगाज सदर पाकिस्तान ने 1994 में किया। ये दारा जदीद टेक्नोलॉजी का मेन पॉइंट है, जिसका बुनियादी मकसद सेहत मालियाती और सनत को बेहतरीन। हिस्ट्री ऑफ NIBG। NIBG का आगाज सदर पाकिस्तान ने 1994 में किया। यह दारा जदीद टेक्नोलॉजी का एक अहम पॉइंट है, जिसका बुनियादी मकसद सेहत मालियाती और सनत को बेहतरीन बनाना है। बायोटेक्नोलॉजी को अब एक अहम और फायदा मंद इदारा माना जाता है, जो कि सेहत माहौलियाती और सनत को मसाइल से निपटने के लिए लातदार तरीके पेश करता है। इसकी अहमियत को महसूस करते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने 1987 में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के तहत फैसलाबाद को एक अहम सनती मरकज करार दिया, और हुकूमत की सनती और इकतसादी तरक्की में किरदार अदा। NIBG फैसलाबाद में वाक़ है। फैसलाबाद को का पुराना नाम लैलपुर है, और यह पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, जिसकी आबादी 3 मिलियन है, और एक्सपोर्ट के बारे NIBG की तीन मेन फील्ड्स हैं, ज़राअत, एग्रीकल्चरल रिसर्च, ज़राअत और मैशियत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, सनत और हेल्थ में भी एक अहम अदा करती है। बायोटेक्नोलॉजी बहुत सी सनती और इकतसादी दवाइयात और बीमारियों की रोकथाम के लिए मदद करती है, और अपने डाटा को बनाने और स्टोर करने के लिए लाइब्रेरीज हैं, जिनमें से एक वर्चुअल और दूसरी HEC है। HEC के जरिए दिए गए दस्तावेजात तक रसाई करता है। दस्तावेजात तक रसाई कौमी और बैन अलाक्वामी शोहरत याफ्ता अशखाज के जरिए होती है, और दूसरी लाइब्रेरी वर्चुअल लाइब्रेरी है। वर्चुअल लाइब्रेरी किताबों, रिसालों और इंसाइक्लोपीडिया से दस्तावेजात तक रसाई NIBG की एप्लीकेशन हेल्थ केयर। इसका इस्तेमाल अद्वियात को पहले से बेहतर बनाने के लिए होता है, बीमारियों पर काबू पाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। नंबर टू NIBG की एप्लीकेशन एग्रीकल्चर और क्रॉप में है। इसकी मदद से फर्टिलाइजर बनाते हैं, जो कि फसलों की ज्यादा पैदावार के लिए मुफीद। नंबर थ्री इन्वायरमेंटल यूज, फसलों की बीमारियों को दूर करने के साथ साथ बीमारियों की रोकथाम भी करती है, और सनती और माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने। एकेडेमिक्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एडमिशंस। NIBG एक अदारा है, जो प्यास यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, जो BSM फेलो और PhD के प्रोग्राम में एडमिशन देता है। सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंस, ये इंस्टीट्यूट सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंस बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कराता है, मुख्तलिफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर, जो कि स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन में इजाफा करते हैं। वर्कशॉप्स, स्टूडेंट्स मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते हैं उनके लिए मुख्तलिफ वर्कशॉप्स ये इंस्टीट्यूट करवाता है, जिससे स्टूडेंट्स की को इंफॉर्मेशन हासिल। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। NIBG
इन्हें मसले बायो फर्टिलाइज़र बनाए जो कि फसलों के लिए मुफीद हैं, उनकी पैदावार को बढ़ाने के लिए। रिसर्च फैसिलिटीज़, NIBG भी जैसे जैसे तरक्की हो रही है, मसले रिसर्च की हैं जो कि ज़रूरी। दूसरा इंस्टीट्यूट जिसके बारे में हम जिक्र करेंगे, CEMB, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। छह हिस्सों में तकसीम किया, इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री, रिसर्च एक्टिविटीज, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग, एकेडमिक्स एंड एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। CEMB को 1986 में अपग्रेड किया गया फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। हिस्ट्री ऑफ CEMB भी 1 नवंबर 1981 को पंजाब अनाउंस दी बर्थ, इसको अनाउंस किया गया। हिस्ट्री ऑफ CEMB 1 नवंबर 1981 को यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ने CEMB के दायरे को कायम किया और फिर 1986 को इसको अपग्रेड किया और इसका नाम CEMB रख दिया, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसने 1991 में 44.33 मिलियन कमाए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से। और इस अदारे में वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी, सेमिनार, लेक्चर हॉल्स, ऑडिटोरियम और मॉडर्न फैसिलिटीज हैं, फोटोग्राफी, कंप्यूटर रूम्स, कॉन्फ्रेंस हॉल, डायरेक्टर ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अकाउंट सेक्शन भी शामिल है इस अदारे। एप्लीकेशन CEMB ड्रग डिस्कवरी, जो अद्वियात की बनाने में यूज होती है, मुख्तलिफ एंटीबॉडीज, न्यूक्लिक एसिड प्रोडक्ट्स और वैक्सीन, और ये मेडिकल यूजेस, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी मेडिसिन की एक ब्रांच है जो लिविंग सेल और सेल मटेरियल को रिसर्च करके मुख्तलिफ फार्माक्यूटिकल और डायग्नोजिंग प्रोडक्ट बनाती है जो कि ट्रीटमेंट और डिजीजेस से लड़ने के। और एप्लीकेशन इसकी एनिमल हेल्थ केयर, और ये एनिमल्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, ग्रोथ क्वालिटी और रिप्रोडक्शन में यूज। CEMB सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो दारा है वो एफिलिएटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से, वो और एडमिशन देते हैं MPhil और PhD। वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग, CEMB भी वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग देते हैं स्टूडेंट्स को जो उनके इंडस्ट्रियल लेवल पे, जो कि ना सिर्फ थ्योरी बल्कि प्रोफेशनल लेवल पे उनकी इंफॉर्मेशन में ज़्यादा। रिसर्च एक्टिविटीज, CEMB सेंटर फॉर अप्लाइड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये हाई लेवल कंप्यूटेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, इन सीक्वेंस एनालिसिस, जीनोमिक्स, डेटा एनालिसिस, फाइलोजेनेटिक्स, प्राइमर डिजाइन, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग, फंक्शन, प्रोटीन लिगेंड, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के एनालिसिस। इवेंट्स एंड सेमिनार, CEMB मुख्तलिफ सेमिनार्स, इंफॉर्मेटिव सेमिनार्स मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर कराते हैं जो कि स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन में करते हैं। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, CEMB ये बताता है कि कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन अमीनो एसिड बताता है और उनकी फिजिबिलिटी ऑफ एक्सप्रेशन, प्योरिफिकेशन और स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन और एनालिसिस ऑफ प्रोटीन एंड ये रिसोर्सेज हैं और जिनसे हमने डाटा।